न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नगर परिषद, ये देखो बाथरूम है ना, इसकी जगह है, ये बनाया है जी, बताओ इसकी, ये देखो ना क्या क्या होता है ना, आप क्या करें, ये बाथरूम से आगे छोड़ दे, पकड़ डालो इसको, कौन है तू, किसका, और ये कौन है, नहीं कौन है, बैठो 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 पांच दिन पहले रेवाड़ी के पास एरिया कहे जाने वाले ब्रास मार्केट में अवैध कब्जे का मामला सुर्खियों में आने के बाद शहर में अवैध कब्जों को लेकर रेवाड़ी नगर परिषद आज एक्शन मोड में दिखाई दी। शहर के सर्कुलर रोड स्थित नागरिक अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने सरकारी जमीन पर सालों से हो रहे अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर परिषद की टीम जैसे ही मौके पर पहुंची तो कब्जाधारी में हड़कंप मच गया। टीम के पहुंचते ही कब्जाधारी जमीन के कागज लेकर मौके पर आ खड़ा हुआ, लेकिन जेसीबी लेकर पहुंची नगर परिषद की टीम ने कब्जाधारी की एक न सुनी और देखते ही देखते भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सरकारी जमीन पर लगी रेहड़ियां व अन्य सामान को उठाना शुरू कर दिया। अचानक नगर परिषद की टीम का ताबड़तोड़ कार्रवाई होती देख कब्जाधारी पहले तो टीम के सामने काफ़ी गिड़गिड़ाया, लेकिन जब टीम ने उनकी एक न सुनी तो नगर परिषद व पुलिस कर्मियों के साथ हाथापाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, इस दौरान कब्जाधारी ने नगर परिषद के कर्मचारियों पर पैसे मांगने तथा बिना ही नोटिस के यह बड़ी कार्रवाई करने के आरोप भी लगाए। ये तस्वीरें नागरिक अस्पताल के सामने की, ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि जिस जमीन पर जेसीबी चलाकर यह सामान उठाया जा रहा है यह जमीन नगर परिषद की बताई जाती है, जिस पर व्यक्ति विशेष द्वारा सालों से रेहड़ियां लगवाकर न केवल अवैध वसूली की जा रही है बल्कि यह जमीन खुद की होने का दावा भी किया जा रहा था। मगर यह हैरान करने वाली बात यह है कि नगर परिषद इस जमीन से बार बार कब्जा हटवाने के बावजूद आखिर फिर से कब्जा क्यों हो जाता है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी है कि आखिर किस साठगांठ के साथ यहाँ बार बार कब्जा हो रहा है। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर सालों से सार्वजनिक शौचालय भी बना हुआ है जबकि बेहद खस्ता हाल है, और इसी के चलते इस जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। स्थानीय दुकानदारों की माने तो नागरिक अस्पताल के सामने यह एकमात्र शौचालय है, लेकिन शौचालय की हालत खराब होने के कारण उन्हें लघु शंका के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। इसलिए नगर परिषद को चाहिए कि इस शौचालय को दुरुस्त कराया जाए ताकि लोगों की सुविधा मिलने के साथ साथ ये जमीन भी पूरी तरह कब्जा मुक्त हो सके। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। जबरदस्ती उठा रहे, जबरदस्ती उठाइए, नोटिस था कोई आपके पास? कोई नोटिस नहीं, जबकि मैंने कहा कि जवाब समेट कर रखे, इसी दे रखे, संदीप से मिलो, मैं क्योंकि वो दिखाया जाए, ठीक है, मेरे पास कोई नोटिस नहीं है, नोटिस मैंने कागज कोई नोटिस होता मैंने कागज जमा कर रखे हैं, ये पैसे मांगते हैं, ये सारी चीजें थे, और मैं पहले भी कमेटी में कागज जमा कर रखा है, और मेरे द्वारा पहले बताया गया, पहले कागज कागज में दिखा जमा कर रखे, कागज जमा है, कागज दिखा रखे, फ्लाई रूपल जा रहे हैं। हल्के जी, अभी ये कब्जा हटाया गया है, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला नगर परिषद की जमीन पे कई सालों से अतिक्रमण था, हमने 2018 में मैंने और मनोज यादव जी के द्वारा यह पहले भी हटाया गया था, ये यहाँ एक सीएमओ साहब का पहले था, उसकी मंशा गलत है,
अभी पूरा कब्जा हटा दिया गया? बिल्कुल हटा दिया गया पूरा कब्जा, आगे लगाए तो आगे भी हटाएंगे। जो यहाँ पर कब्जाधारी है वो कह रहा है कि उसकी कोई जमीन नहीं है जी, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई नोटिस बार बार लगाता है, ये अस्थाई अतिक्रमण था, इसको तुरंत प्रभाव से हटा दिया। किसकी जमीन है ये? ये नगर परिषद की है जी, यानी सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा। जी 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 जी, ठीक।